नमस्कार, मैं दिनेश कुमार खत्री, लेक्चरर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर, राजस्थान में। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में कंपलसरी पेपर है मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है 104 अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसमें एक यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, जिसमें इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपांशन टॉपिक, ये हमें स्टडी करना है। हिंदी में इसे हम बोलेंगे विभिन्न प्रकार के प्रसार का परिचय। इसमें भी जो मेनली टॉपिक हमें पढ़ना है वो है फैक्टोरियल नोटेशन एंड परमुटेशन, मीन्स PNR का क्या मीनिंग है, यही परमुटेशन होता है। हिंदी में फैक्टोरियल को कहते हैं क्रमगुणित और परमुटेशन को कहेंगे हम क्रमचय। चलिए एक बार सिलेबस पर नजर मार लेते हैं। ये देखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस है। यहाँ पर ये जो यूनिट वन है, यहाँ पर 1.1 सेक्शन इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपांशन, ये टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जिसमें भी पहला जो सेक्शन है 1.1.1, यहाँ पर फैक्टोरियल नोटेशन एंड मीनिंग ऑफ CNR PNR, CNR नहीं कवर करेंगे, PNR। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब क्या होता है, दूसरा मीनिंग ऑफ PNR मतलब परमुटेशन का मीनिंग क्या है। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपांशन, विभिन्न प्रकार के प्रसारों का परिचय, फैक्टोरियल या क्रमगुणित। प्रथम n प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स के सतत गुणनफल मतलब कंटिन्यूअस प्रोडक्ट को संकेत फैक्टोरियल n अथवा n फैक्टोरियल द्वारा व्यक्त किया जाता है, तथा क्रमगुणित n या फैक्टोरियल n पढ़ते हैं। ये n के बाद जो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, इसी को हम n फैक्टोरियल पढ़ेंगे, या l की शेप में एक सिंबल है जिसके अंदर n लिखा हुआ है, इसको भी हम n फैक्टोरियल कहेंगे या फैक्टोरियल n कहेंगे। अब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का मतलब ये है कि एक से लेकर के n तक की जो सभी संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, जो इंटीजर हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, जो धनात्मक पूर्णांक हैं, वो वाली संख्याएं, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, इस तरह से n है तो n तक लेना है, तो इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर देना है, इसी को हम n फैक्टोरियल कहेंगे। फिर देखिए इस n फैक्टोरियल को हमने पहली संख्या n छोड़ दी और बाद की सारी संख्याएं ले ली, n माइनस वन, n माइनस टू, थ्री टू वन, तो ये n को अगर हम छोड़ दें तो n माइनस वन से 3 टू 1 तक की सभी संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये प्रथम प्राकृत n माइनस वन संख्याएं हो जाएगी, तो इनका गुणनफल n माइनस वन फैक्टोरियल हो जाता है। तो n फैक्टोरियल से अगर आप n बाहर निकालते हैं तो अंदर बचता है एक कम, मतलब n माइनस वन फैक्टोरियल। उदाहरण के लिए देखिए 5 फैक्टोरियल, इसका मान होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब 5 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं, 5 4 3 2 1 या 1 2 3 4 5, ये सभी का गुणा 5 फैक्टोरियल के बराबर होगा। इसी तरह से 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल का मीनिंग है कि शुरू की जो 4 प्राकृत संख्याएं हैं, जो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स हैं, इनका गुणनफल ही 4 फैक्टोरियल के बराबर है। इसी तरह से 3 फैक्टोरियल, इसी तरह से 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि 0 फैक्टोरियल का मान 1 माना गया है और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए इस तरह से हम 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल या 6 फैक्टोरियल, किसी का भी मान याद कर सकते हैं। जैसे 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, शुरू की जो 6 प्राकृत संख्याएं हैं, इन सभी का गुणनफल, मतलब 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इन सबको आपस में गुणा करेंगे तो आपको 6 फैक्टोरियल मिल जाता है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा क्रमचय मतलब परमुटेशन। देखिए परमुटेशन मेनली अरेंजमेंट को लेकर के होता है कि कितने तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो लैंग्वेज में इसको देखते हैं। दी हुई वस्तुओं में से एक बार में सबको अथवा कुछ को लेकर जितने प्रकार से विन्यासित मतलब अरेंज किया जा सकता है, वे उन वस्तुओं के क्रमचय कहलाते हैं, मतलब परमुटेशन। संकेत रूप में यदि हमारे पास n वस्तुएं हैं तो इनमें से सभी n को लेकर अथवा कुछ r को लेकर जितने प्रकार से विन्यासित किया जा सकता है, वे उन n अथवा r वस्तुओं के क्रमचय होंगे। n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं, R less or equal than n को एक साथ लेकर बनाए जाने वाले क्रमचयों की संख्या को हम NPR या PNR से निरूपित करते हैं। इस चीज को पहले हम उदाहरण देखते हैं, इससे
ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ये क्लियर हो जाएगी। उदाहरण देखिए, यदि हमारे पास लाल मतलब रेड और नीली मतलब ब्लू बी कैपिटल बी से डिनोट करेंगे, हरी मतलब ग्रीन कैपिटल जी से डिनोट करेंगे, तीन रंग हैं कि कल में है मतलब पेने हैं, तो इनमें से तीनों को लेकर अथवा दो को लेकर निम्न विन्यास बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास तीन पेन है, तीन कलमे हैं, रेड ब्लू और ग्रीन, तो टोटल जो कलमे हैं, टोटल जो थिंग्स है, टोटल जो वस्तुएं हैं वो तीन है, तो इसलिए एन का मान तो हम मान लेंगे तीन। अब इन तीन वस्तुओं को किस किस तरह से अरेंज किया जा सकता है, जैसे रेड ब्लू ग्रीन, फिर हमने क्या किया कि ब्लू रेड ग्रीन, फिर रेड ग्रीन ब्लू, फिर ब्लू ग्रीन रेड, इस तरह से ये छह तरह के विन्यास पॉसिबल हैं तीन वस्तुओं से बने क्रमचय। देखो यहाँ पर आर बी जी, यहाँ पर अगर मैं आर को फिक्स कर दूँ और बी जी को इंटरचेंज कर दूँ, बी जी की जगह जी बी कर देता हूँ, तो ये थर्ड वाला जो एलिमेंट है ये मिल जाता है आर जी बी। इसी तरह से फर्स्ट पोजिशन पर अगर ब्लू, इसको बी को फिक्स कर दिया जाए, तो जो बाकी के दो हैं आर और जी, इनको इंटरचेंज कर दीजिए जी आर, तो ये फोर्थ वाला एलिमेंट मिल जाता है। इसी तरह से फर्स्ट पोजीशन पर अगर हम ग्रीन जी को फिक्स कर दें, तो आर और बी को इंटरचेंज कर दीजिए बी आर, तो ये लास्ट वाला एलिमेंट भी मिल जाता है। इस तरह से जो तीन कलमे थी हमने उनको छह तरह से अरेंज कर दिया। तो ये तीन कलमों में से तीन को ही लेकर के बनाए गए विन्यासों की संख्या है, इसी चीज को हमने कहा है क्रमचय। तो क्रमचयों की संख्या कितनी है यहाँ पर, छह। अब फिर से देखिए, तीन कलमों में से अगर सिर्फ दो ही कलम लेकर के बनाए गए क्रमचयों की संख्या पूछी जाए, मतलब ऐसे कितने अरेंजमेंट बनेंगे, ऐसे कितने विन्यास बनेंगे, तो फिर वो भी बना सकते हैं आर बी आर जी बी आर बी जी जी आर जी बी, यहाँ पर भी छह विन्यास बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमने तीन वस्तुओं में से दो वस्तुओं को लेकर यहाँ पर क्रमचय बनाए हैं, तो भी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, छह ही आई है। तो चूंकि टोटल जो पेन है, जो टोटल थिंग्स है, टोटल जो कलमे हैं वो तीन है, इसलिए एन का मान तो हो गया तीन। अब तीन में से कितनी वस्तुएं लेकर के क्रमचय बनाए, एक बार तो हमने तीन ही लेकर के बनाया, तो आर का मान थ्री हो गया यहाँ पर, जबकि यहाँ पर हमने दो को लेकर के बनाया, तो यहाँ पर आर का मान हो गया दो। तो हमेशा एन बड़ा होगा आर से, इसीलिए यहाँ पर आर लेस और इक्वल देन एन लिखा गया है। अब इसको फिर से पढ़ते हैं हम। दीवी वस्तुओं में से एक बार में सबको अथवा कुछ को लेकर जितने प्रकार से विन्यासित किया जा सकता है, वे उन वस्तुओं के क्रमचय कहलाते हैं। क्लियर है, हमने हमारे पास यहाँ पर तीन कलमें दी गई थी, एक बार तो हमने सबको ले लिया तीनों को, कितने विन्यास बने, छह बने थे, तो यही इनके क्रमचय कहलाए। या दो को लेकर के कुछ को ले लीजिए, तो भी जितने विन्यास बनेंगे वो सब क्या कहलाएंगे, उसके क्रमचय। संकेत रूप में यदि हमारे पास एन वस्तु, तो इनमें सभी एन को लेकर अथवा कुछ आर को लेकर जितने प्रकार से विन्यासित किया जा सकता है, वे उन एन अथवा आर वस्तुओं के क्रमचय होंगे। अब ये जो नोटेशन था ये NPR, तो यहाँ पर हमारे पास N का मान तीन था इस क्वेश्चन में, और R का मान एक बार हमने तीन लिया, एक बार दो। तो पहला जो था, जो लेफ्ट साइड में हमने तीन कलमों को लेकर के क्रमचय बनाए थे, यहाँ इसको हम कहेंगे 3P3, N का मान तीन और R का मान भी थ्री, तो 3P3 की वैल्यू जो भी आएगी वो टोटल छः आएगी। इसी तरह से यहाँ पर दो वस्तुएं लेकर के क्रमचय बनाए हमने, तो एन का मान तो तीन ही है, तो 3P2, तो यहाँ पर बनने वाले क्रमचयों की संख्या कितनी होगी, 3P2। इसको आगे हम क्वेश्चन में देख लेंगे, या PNR इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, एन का मान थ्री रख दीजिए, आर का मान दो, तो P3, 2 ब्रैकेट के अंदर। देखिए एक रिजल्ट हमें ध्यान रखना है कि PNR की जो वैल्यू है वो होती है एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब जब इस n को हम ब्रेक करते हैं n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, तो ये बीच में कहीं n माइनस आर भी आता है, n माइनस आर प्लस वन भी आएगा, तो n माइनस आर फैक्टोरियल मतलब बाद की जो टर्म्स कैंसिल होकर के आपको ये रिजल्ट भी मिल जाता है। कुल मिला के हमें दोनों रिजल्ट ध्यान रखने हैं। देखिए PNR का मतलब क्या है कि n को आपको चलाना है, कितनी बार चलाना है आपको, r लिखा हुआ है तो r तक ही चलाना है, तो n माइनस वन एन माइनस टू, चूंकि ये तो सेकंड टर्म है जहां पर 1 आ रहा है, जहां पर n माइनस टू आ रहा है ये थर्ड टर्म है, ठीक है, तो यहां पर r भी टर्म आने के लिए r माइनस वन चाहिए होगा, तो ये ब्रैकेट में r माइनस वन है, लेकिन ब्रैकेट खुलते माइनस r प्लस वन हो जाता है, तो ये टोटल जो टर्म्स हैं ये कितनी है, r हैं, यानी कि n को चलाना है रिवर्सली r टर्म्स तक, यानी n n माइनस वन n माइनस टू ऐसा कितनी बार करना है हमें, r बार करना है। फिर से देखिए, यदि r का मान
एन के बराबर हो जाए यदि आर बराबर एन, अर्थात एन विभिन्न वस्तुओं में से सभी एन वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए जाने वाले क्रमचयों की संख्या, तो आर की जगह एन रख दीजिए, पी एन एन, और एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर होता है तो आर की जगह एन, तो एन माइनस एन, तो बटे में जीरो फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में जीरो फैक्टोरियल आ जाता है जिसकी वैल्यू वन होती है, तो ये एन फैक्टोरियल फाइनल वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर भी मीनिंग यही है, पी एन एन, एन को चलाना है कहाँ तक, एन बार तक चलाना है, तो एन इन टू एन माइनस वन, एन माइनस टू, इस तरह से 3 to 1 तक। चलिए एक रिजल्ट और ध्यान रखना है, क्रमचय एवं पुनरावृत्तियां मतलब परमुटेशंस एंड रिपीटेशंस थ्योरम। एन वस्तुओं में से एन वन एक रूप है, मतलब एन वन जो थिंग्स हैं वो अलाइक है, एन टू एक रूप है मतलब एक जैसी हैं, और इस तरह से एन थ्री एक रूप है, एन फोर एक रूप है, इस तरह से मान लीजिए कि आर ग्रुपिंग है, इस तरह से मतलब एन आर एक रूप है, तो क्रमचयों की संख्या होगी एन फैक्टोरियल, तो ऊपर आएगा ही सही, बटे में आपको जितने रूपों की अलग अलग थिंग्स थी उन सभी से भाग लगा देना है उनके फैक्टोरियल से, मतलब एन वन फैक्टोरियल, एन टू फैक्टोरियल, और इस तरह से जितने भी एन है एन आर फैक्टोरियल तक, इन सभी का हमें भाग दे देना है, तो हमें टोटल क्रमचयों की संख्या मिल जाती है। इस क्वेश्चन को देखिए, एग्जाम्पल वन को, एक कमरे में 8 कुर्सियां हैं, 5 विद्यार्थी उन पर कितनी प्रकार से बैठ सकते हैं, तो यहां पर टोटल जो कुर्सियां हैं वो तो 8 हैं, तो एन का मान हो गया 8। अब इन 8 कुर्सियों में से हमें 5 विद्यार्थी उन पर बिठाने, तो बाकी की 3 कुर्सियां खाली रहेगी, तो आर का मान हो गया 5, मतलब 8 कुर्सियों में 5 विद्यार्थी कितने प्रकार से बैठेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8P5, NPR जो सूत्र होता है क्रमचय का, n का मान 8 हो गया और r का मान 5, 8P5 सूत्र लगा दीजिए, 8 फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब 8 माइनस 5 फैक्टोरियल, 8 माइनस 5 की वैल्यू 3, 3 फैक्टोरियल, इसे हल कर लीजिए, 6720 प्रकार से बैठ सकते हैं, इतने सारे तरीके हैं। चलिए आगे बढ़िए, एग्जाम्पल 2, 5 दिनों की अवधि में 3 परीक्षाएं कितने प्रकार से आयोजित करवाई जा सकती हैं कि 2 परीक्षाएं एक ही दिन में नहीं आए, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 एग्जामिनेशन बी शेड्यूल्ड विद इन 5 डे पीरियड सो दैट नो 2 एग्जामिनेशन आर शेड्यूल्ड ऑन द सेम डे। यहाँ पर टोटल 5 दिन हमारे पास, तो इनका मान 5 हो गया, 5 दिनों में से करवानी सिर्फ 3 परीक्षाएं ही हैं, तो आर की वैल्यू 3 हो गई, तो अभिष्ट क्रमचय क्या हो जाएगा, 5P3, तो 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, जो भी सूत्र लगा दीजिए, सॉल्व करने पर 60 आता है, तो ऐसे 60 तरह के क्रमचय संभव है, 60 तरह की संभावनाएं हैं। आगे देखिए एग्जांपल 3, कृष्ण शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड कृष्ण। सबसे पहले तो अक्षर काउंट कर लीजिए, टोटल KRISHAN 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल जो अक्षरों की संख्या वो 7 है, और सभी के सभी देख लीजिए असमान है, मतलब कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आई 2 बार आ रहा है या ए 2 बार आ रहा है, सारे के सारे अक्षर असमान ही है, तो यहाँ पर 7 अक्षरों में से 7 अक्षरों को ही लेकर के हमें तरह तरह के शब्द बनाने हैं, तो एन का मान भी 7 हो गया और आर का मान भी 7 हो गया, अर्थात 7 में से सभी 7 अक्षरों को लेकर बनाए जाने वाले क्रमचय 7P7, तो जो सूत्र है 7 फैक्टोरियल बटे 7 एन माइनस आर, मतलब 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, तो 7 माइनस 7 फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल, सॉल्व कर लीजिए, 5040 शब्द ऐसे टोटल एग्जिस्ट करते हैं। फिर देखिए एग्जाम्पल 4, 7 कमरों में से 4 कमरे 4 प्रोग्रामर्स को शेष 3 कंप्यूटर टर्मिनल्स हेतु निर्दिष्ट किए जाते हैं, निर्दिष्ट किए जाने की संख्या ज्ञात कीजिए, आउट ऑफ 7 रूम्स 4 रूम्स आर असाइंड टू 4 प्रोग्रामर्स एज ऑफिस एंड द रिमेनिंग 3 रूम्स फॉर कंप्यूटर टर्मिनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ असाइनमेंट दैट कैन बी मेड। देखिए टोटल 7 कमरे हैं हमारे पास, जिसमें से 4 कमरे तो 4 प्रोग्रामर को देने ही हैं, जो बाकी के 3 है वो कंप्यूटर टर्मिनल के लिए निर्धारित किए जाते हैं। देखिए माना प्रोग्रामर्स भिन्न भिन्न हैं, किंतु कंप्यूटर टर्मिनल एक रूप है, ऐसा हमने मान लिया है, तो अभिष्ट क्रमचय क्या हो जाएंगे,
7 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, एक रिजल्ट हमने देखा था, देखिए यहाँ पर ये वाला पुनरावृत्तियां, N1 एक रूप है, N2 एक रूप है, NR एक रूप है, तो ये इन सब के फैक्टोरियल से भाग भी लगाना पड़ता है। तो चूंकि यहाँ पर N1 N2 ऐसे बहुत सारे नहीं है, सिर्फ N1 ही है, मतलब ये जो 3 कंप्यूटर टर्मिनल के लिए कमरे निर्धारित किए हैं, ये तीनों कंप्यूटर टर्मिनल एक रूप माने गए हैं, तो फिर N1 फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल से हमें भाग भी लगाना होगा। तो टोटल ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या हो जाएगी, 7 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू आती है वो ये आती है 840। फिर देखिए एग्जांपल 5, एलिमेंट शब्द के अक्षरों को कितनी प्रकार से विन्यासित किया जा सकता है, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड एलिमेंट कैन बी अरेंज। देखिए एलिमेंट में भी टोटल 7 अक्षर हैं, इनमें ई 3 बार आ रहा है, शीर्ष सभी अक्षर असमान हैं, तो अभिष्ट क्रमचय क्या हो जाएंगे, तो 7 फैक्टोरियल जो एक जैसे हैं उनके फैक्टोरियल से भाग लगा दीजिए, तो 7 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, तो वापस से 840 हमारा आंसर आता है। तो ये थे क्रमचय। क्रमचय में अरेंजमेंट का बड़ा महत्व होता है, मतलब कौन सी वस्तु किस स्थान पर रखी गई है, जैसे ए बी और बी ए, ये दोनों ही क्रमचय में अलग अलग होते हैं, ए को प्रथम स्थान पर दिया गया है, बी को द्वितीय स्थान, अगर बी को प्रथम स्थान दे देंगे ए को द्वितीय स्थान, तो फिर ये अलग विन्यास माना जाता है क्रमचय के अंदर, मतलब परमुटेशन के अंदर ए बी और बी ए अलग होते हैं। चलिए अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे संचय मतलब कॉम्बिनेशन। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।